काफी से फैक्ट्स है, सब लोग देखिए आजकल नहाता है, साबुन घोस घोस के लगा नहा कर नहाता है, शैम्पू लगा लगा कर नहाता है। तो याद रखिएगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगता है कि जैसे शैम्पू की बात करते हैं तो लगता है शैम्पू पूछा जाएगा दुनिया में सबसे पहले शैम्पू को प्रयोग करने वाला कौन सा देश है। तो मैं आपको बता देते हैं, इतना सारे हम लोग मार्केट में शैम्पू है, डब शैम्पू है, आपका जो है निर्मा शैम्पू भी है, अच्छा क्लिनिक प्लस है, अच्छा क्लिनिक प्लस लगता है आप लोग क्लिनिक प्लस नहाते हैं, चलिए जो जैसे नहाता है उसे कह सकता है। फिर आपसे पूछा जाए कि जो आपने माथे में जो क्लिनिक प्लस या डव लगा रहे हैं या निर्मा लगा रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से लगाते हैं, तो ये दिखता है कि बाल रेशम की तरह चमकेगा, बाल जो है खाल की तरह चमकेगा, जो भी चमकाना है चमकाते हैं। कभी सोचे हैं कि इस शैम्पू का सबसे पहले प्रयोग किस देश के लोगों ने किया था, पता है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में सबसे पहले शैम्पू का प्रयोग कोई और नहीं, भारतीय लोगों ने किया था। भारतीय लोगों ने ही किया था, लेकिन आज के जैसा ये शैम्पू था नहीं। एक्चुअली वो शैम्पू जो है जड़ी बूटी से बनाए जाते थे, और इस शैम्पू का नाम शैम्पू नहीं चम्पू था। क्या था? शैम्पू नहीं चम्पू था। और चम्पू का मतलब होता है मालिश करना, कहां? माथे में। आया बात समझ में? तो उसके बाद से शैम्पू का मतलब क्या था? मालिश करना या मसाज करना। तो दुनिया में सबसे पहले शैम्पू का प्रयोग भारतीय लोगों ने ही किया था। किसने? भारतीय लोगों ने, जिसका नाम क्या था? शैम्पू। और शैम्पू का मतलब क्या हो गया? मसाज करना। ठीक है ना, है ना कमाल।